ये तैयार हो रही हैं जी देसी घी में स्पेशल जो है वो कीमे की टिक्कियाँ। और ये काफ़ी बड़ा जो है वो तवी में पूरे इन्होंने डाला हुआ है, खुशबू ही इनकी बड़ी स्वादी यार। कितना को टाइम लेती है? 15 मिनट में ये पकती है जी। ये बन रहा है जी मीठा सूजी का पूड़ा, और इसमें ये सूजी का अमेज़ा है, और सूजी के अमेज़े को जो है वो देसी घी में तवी के ऊपर फ्राई कर रहे हैं। इसमें एक्स्ट्रा किसी चीज़ की फीलिंग नहीं होती, गल तो इन्हें रखा जी यार। तुम एवें कहते हो पूड़े दे विच सूजी हलवा पा देने, सादा जो है वो सूजी का चीनी का और दूध या पानी शानी मिला के उसका अमेज़ा बनता है। और ये अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा जो है वो सुर्ख भी करवा सकते हैं आप। अस्सलामु अलैकुम। शरकपुर फूड सीरीज़ की अगली एपिसोड के साथ मैं हूं हसन लियाकत। तो आज मैं आपको शरकपुर फूड सीरीज़ में शरकपुर फूड स्ट्रीट का नाश्ता जो है वो दिखाऊंगा। जिस जगह पे हम लोग नाश्ता करने जा रहे हैं वो पॉइंट है चमन स्वीट्स अल मशहूर मुल्ला हबीब देसी घी वाले। तो चले आए चल के करते हैं उनके पास नाश्ता और दिखाते हैं आपको कि उनके पास नाश्ते में क्या क्या कुछ अवेलेबल होता है। इनके नाश्ते के मुतल्लक तो एक ये खासियत है कि ये बनाते देसी घी में, और दूसरा जो बनाते हैं इंतहाई मज़ेदार बनाते हैं। पिछले तकरीबन 60 साल से ये यहाँ पे ये लोग नाश्ता बना रहे हैं देसी घी, और यहाँ पर ये लोग मशहूर भी मुल्ला हबीब नाश्ते वाले हैं। बहुत सारी जगहों से लोग यहाँ पे आके इनका जो है वो नाश्ता करते हैं। पूड़ी पूड़ा और कीमे वाली टिक्की ये लोग नाश्ते में बनाते हैं, बाकी स्वीट्स का जो काम है वो इनका दोपहर से रात तक जो है वो चलता रहता है। सुमान एक प्लेट है ना चने दा पाई। नाल एक पूड़ी एक पूड़ा ते ना अद्धी टिक्की कर दें, पूड़ी जरा पूरा लाल करवा लें जी। तो ये आ गया हमारा नाश्ता, और नाश्ते में ये हैं चने, और चने जो है वो उनमें दही जो है एडिशनल डाली हुई है। और ये आ गई पूड़ी, पूड़ी या पूरी, आहा हा हा बड़ी क्रिस्पी है यार ये देखने में ही। और ये जो है हम लोगों ने काफ़ी लाल करवाई है, और ये इसके साथ में आ गया इनका स्पेशल मीठा पूड़ा। और ये हम लोगों ने टिक्की जो है ना वो हाफ ली है कीमे वाली, क्योंकि मैं एक ही बंदा हूँ खाने वाला। और ये इनकी चिकन की कीमे की टिक्की है। पूड़ी के क्रिस्प आप सुन रहे होंगे, पूड़ी जो है वो सादी इनकी बड़ी मज़ेदार है, उसमें कुछ भी मतलब एक्स्ट्रा नहीं है लोग डालते।
सादी मैदे और आटा मिला के इन्होंने पूड़ी जो है वो बनाई होती है। पर इस पूड़ी की जो ख़ास बात है वो ये है कि ये बिल्कुल भी लजलजी नहीं होती, ना ही ये ऑयली वो जिस तरह होती है ऑयली टाइप, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इंतहाई जो है वो क्रिस्पी, सादी और खुश्क पूड़ी है जो इनके चने मुझे दही के साथ मज़ा देते हैं ना, वो सादे नहीं देते। हाँ 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 हाँ, कमाल होगी यार। बहुत ही शानदार मज़ा है इनकी पूड़ी का, क्योंकि पूड़ी मुंह में जाके एक्स्ट्रा ऑयल नहीं फील करवा रही और ना ही जो है वो उसमें कोई और फ्लेवर फील हो रहा है। इंतहाई सादा और इंतहाई क्रिस्पी और इंतहाई लजीज पूड़ी है ये। जो इनकी देसी घी वाली पूड़ी है ना, ये 40 रुपए की है और ये स्पेशल पूड़ी है। नाश्ता लवर के लिए हाईली रिकमेंडेड है ये चीज़। ये हलवा है इनका सूजी का, ये साथ में ये पूड़ी का देते नहीं है और हम लोगों ने अलहदा मंगवाया। चने हैं वो साथ में फ्री होते हैं, इसको हम लोग पूड़ी में लगा के सूजी का हलवा, और ये भी देसी घी का हलवा है। ओए 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 ओए, इनका हलवा जो है वो भी बहुत मज़ेदार है, ना ही उसमें कोई एक्स्ट्रा घी या चिकनाहट है, ना ही ऑयल है। जो हलवे का मीठा है वो बड़ा परफेक्ट और एक्यूरेट है, और उसके साथ में जब क्रिस्पी पूड़ी मिल जाती है तो पूड़ी पूरा मज़ा देती है। चिकन के कीमे वाली टिक्की, जिसके के अंदर आप देख सकते हैं कि चिकन का कीमा है, साथ में प्याज है, साथ में अदरक है, और अदरक के साथ साथ ये लोग इसमें हरी मिर्च मिलाते हैं। हाँ हाँ हाँ, अच्छे तरीके से इसके साथ चने लगाते हैं, बड़ी क्रिस्पी है यार। ओहो हो, बड़ा ही मज़ेदार और क्रिस्पी सा इसका जो है ना वो टेक्सचर लग रहा है। ओए होए 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 होए, इसका जो फ्लेवर है ना वो मुंह में जाके एक एक दांत को बता रहा है। चिकन कीमे की टिक्की है ना वो मेरी स्पेशल है। एक तो इसका क्रिस्प जो है वो बहुत एक्स्ट्रा होता है, एक्स्ट्रा क्रिस्पी है, प्लस इसमें जो इनकी नमक मिर्च है वो थोड़ी सी माइल्ड नहीं होती, थोड़ी सी वो तीखी होती है। और जो कीमे का मज़ा है, जो कीमे में अदरक फ्लेवर फील करवा रही है, ओए होए होए होए, जब ये टिक्की मुँह में एंटर होती है मेरे मुँह के जितने भी जो टेस्ट बड्स हैं वो सारे हाईली एक्टिव हो जाते हैं कि ये इतनी मज़ेदार चीज़ आ गई है। ये यार हम लोगों ने हाफ़ टिक्की ली थी, वैसे 140 रुपीज़ की, और हाफ़ टिक्की जो है वो 70 रुपीज़ की है। इंतहाई शानदार किस्म का इसका जायका है। मीठा पूड़ा, मीठे पूड़ा जो इनका होता है वो बनता है सूजी का। बाज़ बंदों के माइंड में होता है कि ये शायद इसके अंदर जो है ना वो सूजी का हलवा मिलाते हैं। इसके यार अंदर कुछ भी नहीं होता, ये सिर्फ़ सूजी का अमेज़ा जो है उसमें चीनी और पानी मिला के एक स्पेसिफ़िक इनकी रेसिपी है वो इन्होंने बनाई होती है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। सिंगल लेयर जो है वो पूड़ा है इनका, ये डबल लेयर या इसके अंदर को फिलिंग एक्स्ट्रा किसी चीज़ की भी नहीं है। इसको आप सादा भी खा सकते हैं और इसको जो है वो चने लगा के भी जो है वो खा सकते हैं, और हम लोग जो है वो इसको चने लगा के खाएँगे। चने इनके हर चीज़ के साथ चल जाते हैं, पूड़ी के साथ तो ऑब्वियसली खाए जाते हैं, टिक्की के साथ भी और साथ में पूड़े के साथ भी। बाज़ बंदे ये जो पूड़ा है ये सादा खाते हैं और बाज़ बंदे चनों के साथ खाते हैं, तो हम लोग जो है वो चनों के साथ इसकी जो है वो बाइट बना के पहली वो ट्राई करेंगे। बहुत शानदार टेस्ट है यार इसका। इनका जो पूड़ा है ना वो अंदर मुंह में जाके घुल भी रहा है और साथ में अपना जो है वो फ्लेवर भी बता रहा है। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, सूजी का ये बना होता है और उसमें कोई भी एक्स्ट्रा जो फिलिंग है वो नहीं होती,
परफेक्ट मीठा, और सबसे बढ़ के कि ना ही लेजलेजा सा है और ना ही ये एक्स्ट्रा क्रिस्पी है। वो आपकी मर्ज़ी है कि आप एक्स्ट्रा क्रिस्पी या इसको सॉफ्ट या हार्ड रखवा सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही शानदार मज़ा दे रहा है। और ये जो पूड़ा है इनका, मीठा पूड़ा, वो भी 40 रुपए का है। अब जो है वो हम लोग अपनी बाइट बनाएंगे, सादा मीठा पूड़ा, उसमें थोड़ा सा लगाएंगे हम लोग देसी घी का, इनका सूजी का हलवा। ओहो, जो निवाला है ये देखने में जो है वो बहुत मज़ा दे रहा है, तो ये मुंह में जाके तो मज़ीद घुल जाएगा। ओए होए 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 होए, इस बाइट ने सबसे ज़्यादा मज़ा दिया है, क्योंकि इनका जो पूड़ा है उसमें कोई एक्स्ट्रा ऑयल नहीं है, ना ही उसमें कोई एक्स्ट्रा घी है। जो इनका हलवा है वो भी बहुत मज़ेदार है, पर चनों के साथ जब मिल के मीठा और नमकीन, वो तो बड़ा ही आउट क्लास किस्म का मज़ा दे रहा है। बनाते हैं लोग, मिठाई भी है, मिठाई इंशाल्लाह फिर कभी वीडियो में आपको दिखाएंगे। आज का जो हमारा व्लॉग था वो स्पेशल शरकपुर की फूड स्ट्रीट का नाश्ता था। नाश्ते में हमने आपको पूड़ी, पूड़ा और साथ में टिक्की की, कीमे वाली जो टिक्की है वो दिखाई है। मेरी तरफ़ से जो नाश्ता लवर हैं और अच्छा जायके वाला और देसी घी का नाश्ता करना चाहते हैं, उनके लिए हाईली रिकमेंडेड है। हाँ यार, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद जो बेल आइकन का बटन है उसको ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जो हर नई आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अगली वीडियो तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। टिल नेक्स्ट, अल्लाह हाफिज़।